को अपने रिसर्च और अनुसंधान के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बातचीत के द्वारा, लेखों के द्वारा। ग्रामीण अध्ययन और समाजशास्त्र के उभरते जितने भी नए आंदोलन हैं, उनमें सर का विशेष रुचि है। सर ने विभिन्न प्रकार के सरकारी अभियानों, कार्यक्रमों से जुड़ के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल की कॉन्फ्रेंस सेमिनार को आयोजित किया है, उसमें भागीदारी की है। और सर ने भारतीय सामाजिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली जो है, उसके सहयोग से निरंतर रूप से सामाजिक विषयों पर जो है अपने पत्र पत्रिकाओं के द्वारा लेख साझा करने का कार्य कर रहे हैं। देश के जितने भी विभिन्न प्रकार के जो समाचार पत्र हैं, चाहे वो राजस्थान पत्रिका लीजिए, दैनिक वीर अर्जुन लीजिए, दैनिक हिंद लीजिए, हमारा फैसला लीजिए, मॉडर्न रिपोर्ट लीजिए, तो इस प्रकार के जितने भी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं, सर के अपने लेख इसमें सैकड़ों लेख प्रकाशित हो चुके हैं। और वर्तमान में सर जो है हमारे स्वतंत्र संग्राम के महानायक जो हैं, विजय सिंह जी पथिक, तो पिछले 2 दशकों से सर उनकी जो है रिसर्च अनुसंधान कार्य से जुड़े हुए हैं। और पथिक जी की जो भी पांडुलिपियां हैं, राजस्थान सरकार अभिलेख बीकानेर के सहयोग से उनका अध्ययन करके अनुसंधान के कार्य में संलग्न है सर अभी। और हमारा सौभाग्य है कि सर के विचार आज हमें सभी को सुनने को मिलेंगे। तो अभी हम राकेश जी सर से गुजारिश करेंगे कि सर अपने जो आज के जो मुद्दे हैं उनको संचालित करें। धन्यवाद। धन्यवाद साथी, इतना आत्मीय और इतना विस्तृत परिचय देने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जैसे के विद्वान साथियों के साथ ये विचार इंटरेक्शन करने का मौका मुझे मिला है। मैं ऑनलाइन जुड़े साथ को आदर करता हूँ और फाउंडेशन के तमाम साथियों को धन्यवाद अर्पित करते कि आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को विचार विमर्श के लिए चुना जो अकादमिक हलकों के साथ साथ समाज के लिए चिंतित रहने वाले तमाम लोगों के लिए प्रासंगिक है। COVID-19 के बाद समाज में उभरते नए सामान्य है। कुछ साथियों को विषय था जटिल और ज्यादा अकादमिक लगा होगा, नए सामान्य से एक सामान्य सा आशय है। हम सोशल साइंस के लोग, खास तौर से सोशियोलॉजी से जुड़े लोग, न्यू नॉर्मल्स जैसी टर्मिनोलॉजी और इन अवधारणाओं को ज्यादा यूज करते हैं। न्यू नॉर्मल्स सिंपल और साधारण सा आशय इसका ये है कि जब कोई भी समाज नए वैल्यूज इस्टेब्लिश करता है, नए तौर तरीके जीवन के खोजता है या पूरा सिस्टम अपने आप को रिशेप करता है, तो उसमें कुछ नए आदर्श इस्टेब्लिश होते हैं जो धीरे धीरे मूल्यों में तब्दील होते हैं और वो पूरी व्यवस्था को एक आधार प्रदान करते हैं। उनकी एक्सेप्टेंस समाज में धीरे धीरे बढ़ती है, समाज अपना संतुलन नए ढंग से स्थापित करता है, उन्हें हम न्यू नॉर्मल्स कहते हैं। या सीधे इसे एक लाइन नटसेल में समझने के लिए कहा जा सकता है कि समाज का नए संतुलनों की तरफ बढ़ना न्यू नॉर्मल्स है, नए सामान्य है। इस महामारी ने व्यक्ति से लेकर समाज और राष्ट्र और पूरी विश्व मानवता को आंदोलित किया है, अनस्टेबल किया है और तमाम व्यवस्थाओं को अपने ढंग से प्रभावित किया है। भविष्य किस ढंग से रिसेप करेगा इन तमाम व्यवस्थाओं को, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है और किसी भी तरह की सारी व्यवस्थाएं जो समाज को चलाती हैं और अल्टीमेटली पूरी व्यवस्था है। समाज ने जिस ढंग से इस महामारी के रह
ऑप्शंस क्रिएट किया, यानी इस खतरे से उभरने के लिए जिससे साझेदारी और एक सामूहिक प्रतिक्रिया दी, धीरे धीरे जीवन अनुभव उभरे और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक या कुछ भी है, हमने तमाम मोर्चों पर अपने आप को रिस्टेबल और बैलेंस करने एफर्ट किए। उन न्यू नॉर्मल्स या उन नए सामान्य समाज में बदलाव आए, उन्हें समझना हम सब सामाजिक चिंतनशील प्राणियों के लिए, खासतौर से सोशल साइंसेस की जमात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज इन नए सामान्यों के साथ बहुत सारे पूर्वाग्रहों को भी खड़ा करता है, और पूर्वाग्रहों के साथ साथ जो एक भय बहुत इंपॉर्टेंट है, भय भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण मूल्य है, क्योंकि जब हम कल्चर को समझते हैं और कल्चर को स्टडी करते हैं, कल्चर को पढ़ते हैं, खास तौर से सोशियोलॉजिकल पॉइंट से, तो दुनिया जब से शुरू हुई संस्कृतियों का निर्माण इस भय के इर्द गिर्द ज्यादा हुआ। शुरुआती दौर में प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आक्रांताएं और प्रकृति के जो लगातार मानव पर, समाज पर हमले होते थे, दबाव होते थे, तमाम तरह के तूफान, महामारियां, बीमारियां और चक्रवात, भूचाल, ये सब नेचर ने जो एक पूरा दृश्य मानव के सामने खड़ा किया, तरों से उभरने के लिए मानव ने सभ्यता और संस्कृति की रचना की। हमने मकान बनाने क्यों सीखे? आंधी, तूफान, बरसात, इन तमाम चीजों से सुरक्षा पाने के लिए सीखे ना। हमने तमाम तरह की घड़ंत अपने इर्द गिर्द क्यों की? हमने अपने बहुत सारे आत्मानुशासन की संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं क्यों खड़ा किया? हम तो सब जंगली अवस्था में थे ना। समाज तो पूरी उस बर्बर शिकारी आखेटक पद्धति के साथ जीवन जीता था कि जंगल का एक इलाका एक समूह का, दूसरा इलाका दूसरे समूह का, और एक शिकारी अवस्था से हम एक सभ्य समाज की बढ़े। इन न्यू नॉर्मल्स के साथ बढ़ते हुए सामाजिक आदर्शों को घड़ते हुए, सामाजिक संस्थाओं को बनाते हुए, उन सामाजिक नियमों आदर्शों को खड़े करते हुए, इस दिशा में दुनिया सभ्यतिक विकास अपना करती आई। तो इस महामारी के इन दबावों हमें उस कॉन्टेक्स्ट में समझने में आसानी होगी जहां से हम इस सफर को तय करते हुए आए हैं, और हम अपने व्यवहार को समय पर रिस्टेप रिमोट करते आए। इसने हमें नई नई मान्यताएं बनाने के लिए बाध्य किया, नए आदर्शों, नए मूल्यों को अपनी संस्कृति के माध्यम से घड़ने का एक हमें एनवायरमेंट दिया, पर्यावरण दिया। मौजूदा महामारी को, कोरोना महामारी को जब हम देखते हैं, तो इस ये जैसे जैसे समाज में नए क्लासिफिकेशन करेगी, वैसे वैसे नए पूर्वाग्रह और नए व्यवहार मजबूत होंगे। और भारत जैसे परंपरागत समाज में तो इन चीजों को समझने का कुछ अतिरिक्त महत्व है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का इशू है, सोशल डिस्टेंसिंग का इशू पूरी दुनिया के लिए सामान्य बात हो सकती है, या ये कोई बहुत अकुलाहट पैदा करने वाला विषय नहीं हो सकता, लेकिन भारतीय मेंटेलिटी के लिए, भारत जैसे परंपरागत समाज के लिए ये खास इशू है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे लिए एक पुराना सामाजिक ऐतिहासिक मूल्य जुड़ा हुआ है। अस्पृश्यता जैसा एक पूरा जो सिस्टम हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक खांचों में हमारे समाज को जबरन फिट करता है, उसका एक वैल्यू भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इस ढंग के जब नए नए
सोशल कोर्स है ना, नए नए सामाजिक संकट महामारी खड़ा है ना, जैसे कि होम क्वारंटाइन के मार्क बना देना टैबू टाइप के, ये होम क्वारंटाइन है या ये कोरोना इन्फेक्टेड है, तो उस इन सारी चीजों को देखते ही हम सबके सामाजिक व्यवहार, हमारे इंटरेक्शन करने के तरीके उस व्यक्ति के प्रति बदल जाते हैं। और जैसे जैसे समाज में ये नई कोडिंग अपने नए विस्तार पाएगी, तो उस ढंग से महामारी और पूरा समाज का जो एक रेस्पॉन्स है वो अपने आप में बदलेगा। ये जो प्रभाव धीरे धीरे हो, ये प्रतिक्रियाएं हमारे मानव व्यवहार को संगठित करेंगी, संगठित करने के बाद उसे सामूहिक बनाएंगी, और सामूहिक बनाने के बाद उसे स्ट्रक्चर में फिट करेंगी। इसी का नतीजा है, आप देखेंगे कि बहुत कम समय में, पिछले एक दो साल के दबाव में ही बहुत सारी चीजें करनी शुरू कर दी हैं या लगभग एक्सेप्ट कर ली हैं। अभी तक समाज में जिन व्यवहारों को असभ्यता और अशिष्टता की निशान माना जाए, उन्हें कहा जाता था कि ये व्यक्ति सामाजिक नहीं है, या ये व्यक्ति अपने घर आए हुए को बैठने के लिए भी नहीं कह रहा है, या ये व्यक्ति अपने बेटे की शादी का निमंत्रण हमें डाक द्वारा भेज रहा है तो हम नहीं जाएंगे इसकी शादी में, या हमें नहीं जाना इसके फंक्शन में। वही चीजें बड़ी जल्दी से हमने एक्सेप्ट कर ली और बदल ली। अब हम खुद चाहते हैं कि कोई ज्यादा ना आए, अब हम खुद चाहते हैं कि किसी के भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में ज्यादा ना जाया जाए, है ना। वैसे ही अपने व्यवहार को, अपने जो सामाजिक दायित्व हैं, उन्हें अपने ढंग से सिमटा दिया जाए, सुलटा। तो ये नई मान्यताएं हर क्षेत्र में हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं, बदल रही हैं। ये धीरे धीरे नई सामान्य प्रक्रिया को जन्म दे रही है, यही न्यू नॉर्मल्स है। और ये लगातार हमारे पूरी व्यवस्थाओं में अपने आप को इनकलकेट करके पूरे पैराडाइम शिफ्ट की तरह से समाज को और पूरे हमारे व्यवहार को बदलने के लिए आतुर हैं। समाज में जो संवाद की संस्कृति इस महामारी के प्रभाव के कारण बदली, उस संवाद की संस्कृति ने पूरे इंटरेक्शन के जो तौर तरीके हैं, जीवन जीने का दृष्टिकोण है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। कोरोना संकट से उभरने की इस जद्दोजहद में समाज जिस ढंग से एक कलेक्टिव रेस्पॉन्स कर रहा है, वो नए नए मूल्य अपने सिस्टम में ऐड कर रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि सिस्टम रिसेप होगा ही। और ये सामाजिक व्यवस्था कैसे बदलेगी, ये सांस्कृतिक व्यवस्था कैसे खड़ी होगी, भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, भविष्य की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, शिक्षा और सिनेरियो आने वाले समाज में किस ढंग का दिखाई देगा, ये बहुत कुछ समझ आने लगा है। अगर इसे सिलसिलेवार ढंग से मोटा माटी हम समझें भी, तो हमारा जो सामाजिक व्यवहार है वो लगातार हमने बदल लिया है, और उसे हम बदलने के दूसरों को भी कन्विंस कर रहे हैं, सामाजिक दबाव पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा कि हम अपने आप भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बच रहे हैं, हमने अपने मनोरंजन और अपनी सामूहिकता के परंपरागत तौर तरीकों को बदल लिया है, अब आयोजन त्योहार उत्सव मनाने के दृष्टिकोणों में बड़े बदलाव कर लिए हैं, अपने संपर्कों के दायरे को अपने आप समेटना शुरू कर दिया है, समाज में नई मूल्य मान्यताएं एक्सेप्टेंस पा रही हैं, ये हमारे सामाजिक व्यवहार को बहुत तेजी से बदल रही हैं। इसी तरह हमने जो कल्चरल बिहेव अपना बदला है, उसमें
बड़े स्तर पर बहुत दिखाई देते जो हमारा ये बाकी सभी साथी अगर अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे तो आवाज की स्पष्टता बनेगी और राकेश जी के विचार हम तक काफी बेहतर तरीके से सुन पाएंगे हम लोग, है ना। तो सभी से निवेदन है कि अपने वीडियो ऑफ कर लें जब हम वो हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तब आप ऑन करके अपना सवाल रख सकते हैं सर। बाकी सब प्लीज, समाज का जो जागरूक और सचेत वर्ग है उसने बहुत हद तक अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना सीख लिया है और वो उनकी पूर्ति की एक नई संस्कृति गढ़ रहा है। समाज गरीबी और असुरक्षा से उभरने के नए नए तरीके खोज रहा है। हमने अपनी जीवन शैली में बड़े स्तर पर आमूलचूल बदलाव कर लिए हैं। हमें अब छोटी छोटी चीजों बड़ी सहज लगने लगी हैं। मास्क के बिना बाहर ना निकलना, मास्क अपनी गाड़ी से लेकर घर और ऑफिस तक उसकी एक सचेत प्रेजेंस के प्रति हमारा अलर्ट रहना, है ना, हाथ धोना, अपनी डाइट के प्रति कॉन्शियस रहना, अपने दैनिक व्यवहार में योग और प्राणायाम जैसे इन कंटेंट को शामिल करना, स्वच्छता की संस्कृति को विकसित करना, उसका ध्यान रखना, अपने कपड़ों से लेकर अपने आसपास के स्थान तक, और इम्यूनिटी जैसी नई कॉन्शियसनेस समाज में, व्यक्ति में और पूरे सिस्टम में एक रिसेट। और मैं कह रहा हूं कि इन व्यवस्थाओं का फर्क इतना ही नहीं होगा, इन इस नई कल्चरल शिफ्ट का जो पूरा असर होगा वो भविष्य का मार्केट भी अडॉप्ट करेगा, वो भविष्य की पूरी व्यवस्थाएं अडॉप्ट, फ्यूचर का मार्केट अब आपको हो सकता है अपने रेस्टोरेंट में काढ़ा और भाप जैसी चीजें भी उपलब्ध कराए और आपके घर में आने जाने वालों की जो एक स्वागत संस्कृति थी उसमें भी आप इन चीजों को सुमार करें और आने वाले गेस्ट को बैठते ही कहें कि कुछ तो लेना पड़ेगा, काढ़ा लोगे या भाप लोगे, है ना। तो और पहले आप हाथ धो लीजिए तब आप बैठिए। तो ये सब जो चीजें हैं वे हमारे व्यवहार में बहुत गहराई से समाहित हो रही हैं। इसी तरह से हम सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था से आगे बढ़कर जब अपनी अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं कि वो किस ढंग से न्यू नॉर्मल्स की तरफ बढ़ेगी, किन किन चीजों को अडॉप्ट करेगी, तो बहुत छोटी छोटी चीजें तो बहुत स्पष्ट हैं। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, अर्थशास्त्र वाले आदमी चीज को मुझसे अच्छा जानते हैं और बताएंगे, व्यवस्था को ज्यादा ढंग से देख पाएंगे। राकेश जी सर आप अनम्यूट हो गए हैं। राकेश जी सर एक बार म्यूट कर, अनम्यूट कर लीजिए सर, म्यूट कर दिए आप। सॉरी सॉरी, आवाज आ रही सर। हाँ ये नंद किशोर जी सर अपना वीडियो ऑन कर ले, ऑफ कर लें सर, वो राकेश जी को हम ठीक से सुन पाएंगे, वो नेटवर्क की वजह से सुन नहीं पाते हैं। हाँ मैं बस इतना ही आया था अभी कि हम सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था से आगे बढ़कर जब अर्थव्यवस्था में न्यू नॉर्मल्स की खोज करेंगे तो वहां पर भी हमें बहुत सारी ऐसी नई तैयारियां दिखाई देंगी कि जैसे बचत की अर्थव्यवस्था है जो भारत जैसे परंपरागत समाज में तो पहले बहुत हद तक थी लेकिन दुनिया में उसकी आदत कम है और बचत की अर्थव्यवस्था की तरफ दुनिया दोबारा से बढ़ेगी। बचत की मानसिकता को पुनः पनपाने के एफर्ट होंगे, उत्पादन पर नियंत्रण करने के दबाव समाज के भी बढ़ेंगे, सरकारों के भी बढ़ेंगे और पूरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट कुछ इस ढंग से होगी कि हम अपने उत्पादन को कम किस तरह से एक न्यायोचित ढंग से समाज की आवश्यक आवश्यकताएं पूरी कर सकें। और दुनिया अगर समझदारी से अपना आत्मावलोकन करेगी तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के विकास की तरफ ध्यान देगी
जिसमें अनावश्यक के विकास से सतत विकास की तरफ बढ़ने के लिए वो एक सपोर्टिव सिस्टम के तौर पर अपने बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे समाज की और व्यक्ति की जीवन शैली भी अपने आप बदलेगी और अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी उस ढंग से बदलेगा। अर्थव्यवस्था इकोलॉजी के साथ बैलेंस करने की कोशिश करेगी। ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक न्यू नॉर्मल्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया ने महामारी के अनुभव को जिस स्तर पर महसूस किया उसमें विकास का मौजूदा मॉडल बहुत महत्व रखता है, इसलिए इस तरफ सोचना उसकी मजबूरी है। अब अर्थव्यवस्था के आगे जब हम इसे राजनीतिक व्यवस्था पर न्यू नॉर्मल्स को कसने की कोशिश करते हैं और इस कसौटी पर देखते हैं, तो तीन चार सिनेरियो बहुत स्पष्ट उभरते हैं। क्या पूरी व्यवस्था, क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स और ये सारी चीजें हमारे पूरे सिस्टम को एक आधार देती हैं जिस पर सारी चीजें खड़ी होती हैं, चाहे वो हमारी इकोनॉमी है, चाहे हमारी सोसाइटी है, चाहे वो हमारी दूसरी चीजें हैं। तो इसमें जो तीन चार पॉसिबिलिटीज उभरती हैं वो ये है कि एक तो हम मतलब पूरी दुनिया एक बर्बर दौर में जा सकती, अगर हमने इस महामारी से एक सचेत मानव की दृष्टि से कुछ भी नहीं सीखा और विकास के इसी मॉडल में हम जीने के लिए अभिशप्त रहे और इसी तरफ हम जाते रहे, तो इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया एक बर्बर दौर में प्रवेश कर जाएगी और एक के बाद एक ऐसी महामारियों से जूझने के लिए मजबूर होगी। दूसरी संभावना जो उभरती है वो ये उभरती है कि राज्य एक कैपिटलिज्म सिस्टम की तरफ मूव कर जाएगा और दुनिया बहुत खास तरह के डिवीजन में अपने आप को ढाल लेगी, एक आम दुनिया एक खास दुनिया, और उसी तरह से पूरा सिस्टम डेवलप होगा। इस संभावना ये बनती है सरकारी समाजवादी स्टाइल में स्टेट वेलफेयर स्टेट में मजबूत होगा और पूरी दुनिया में करें जे अपने आप को स्ट्रेंथन देकर समाज को के वेलफेयर में अपने आप को दोबारा से खड़ा करेंगी, मजबूत करेंगी। और जो चौथी संभावना है जो इस महामारी से ईमानदारी से सीख लेकर बनने की एक संभावना है, या कहें कि एक आदर्शात्मक दृष्टिकोण से बनना चाहिए, तो वह यह है कि पूरी दुनिया नए ढंग की सहयोगात्मक व्यवस्था खड़ी करेगी, समाज और सरकार मिलकर एक दूसरे के सपोर्टिव बनेंगे और नए वैश्विक साझेदारी के साथ विश्व मानवता का नव निर्माण होगा। तो इन चार संभावनाओं में न्यू नॉर्मल्स किस ढंग से अपने आप को डेवलप करेंगे या हम इन न्यू नॉर्मल्स को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये एक बहुत समझने का मामला है। इसे एक लेमैन वाली भाषा में कहें तो ये अभी भविष्य के गर्भ में है और देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। स्टेट का पॉलिटिक्स का अहम रोल रहने वाला है, स्थानीय स्तरों से लेकर यानी कि कंट्री पूरी दुनिया तक। हम दुनिया में जैसी राजनीति स्थापित करेंगे, राजनीति का मतलब कोई खाली छदाम कूटनीति या यही नहीं होता, राजनीतिक व्यवहार ही दुनिया को बहुत सारी चीजें देता है। जैसे जैसे
हम एक मजबूत स्टेट और एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट खड़ा करते हैं, वैसे वैसे कोई भी समाज अपने आप को एम्पावर करने की तरफ बढ़ता है। जो दुनिया में या देशों में नई राजनीति निकलेगी वो भी इस महामारी के अनुभवों से निकलेगी। अगर वो इन अनुभवों से ज्यादा नहीं सीखती और अपने आप को उन रेस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करती तो हम निश्चित रूप से एक बर्बर दुनिया के निर्माण की तरफ बढ़ेंगे। और हमने इससे सीखा और हम एक अच्छी वैश्विक साझेदारी की तरफ बढ़े और अच्छी वर्ल्ड की तरफ दुनिया बढ़ी और एक अच्छी कूटनीति के साथ हमने सुंदर विश्व के निर्माण का प्रण लिया तो नए उभरते जो सामाजिक रूप होंगे इन्हें हम न्यू सोशल फॉर्म्स कहते हैं सोशियोलॉजी में। तो वो जो नए उभरते सामाजिक रूप होंगे वो हमें केयरिंग सिस्टम में दिखाई देंगे, जिसे हम अपनी देखभाल की व्यवस्था कहते हैं, या जो समाज में हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन जिस काम को करते हैं, परिवार, विवाह, नातेदारी, ये तमाम जो सोशल केयरिंग सिस्टम है, तो उसे इस जैसे जैसे समाज कमजोर हुआ तो ये तमाम रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने आप स्टेट के गले पड़ गई है। तो सरकारें, राजनीति, स्टेट इस केयरिंग सिस्टम को कैसे खड़ा करता है, नए जीवन मूल्यों को कैसे घड़ता है, लोकतंत्र को कितना मजबूत करता है, सोशल सपोर्ट सिस्टम आपसी सहयोग को कितना आधार और मजबूती देता है, इन अहम नैतिक सिद्धांतों से ही भविष्य की नई राजनीति उभरेगी। और ये एक जिम्मेदार दुनिया का दायित्व बनता है कि इन नैतिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर भविष्य की राजनीति का और नए सामाजिक रूपों का निरूपण करना, उनका संस्थानीकरण करना, समाज से लेकर पूरी दुनिया को इन मुद्दों पर एक राय बनाना हमारी भविष्य की राजनीति का ध्येय होना चाहिए। यही विश्व मानवता की अच्छी और सच्ची सेवा है। तो स्टेट हो गया, सोशल सपोर्ट, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, अर्थव्यवस्था, इन जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं, ये न्यू नॉर्मल्स के साथ कैसे अपने तरफ बढ़ेंगी, अपने आप को चेंज करेंगी। मोटा माटी जो तमाम आदर्श चीजें आती हैं, चिकित्सा, ये इन्हीं का पार्ट है, लेकिन अगर हमें इन पर भी अलग ढंग से हम सोच कर देखें तो इनमें टेक्नोलॉजी का बड़ा दखल पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र को बड़े स्तर पर लेगी और तो यहां तक कि संस्कृति का हस्तांतरण टेक्नोलॉजी कर सकती है, लेकिन मैं इतनी अतिशयोक्ति में इसलिए नहीं जा सकता, ज्यादा भय हो जाएगा कि हमारी कि किसी भी समाज की संस्कृति को प्रतिस्थापित टेक्नोलॉजी कर, हो सकता है, कुछ भी संभव है, लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी ने अपनी पकड़ पूरे सिस्टम पर, पूरी दुनिया पर, समाजों पर इतनी बना ली है कि वो संस्कृति को डिक्टेट तो जरूर करने लगी है और उसे अपने ढंग से मोड़ने, घड़ने और खड़ी होने के लिए मजबूर करने लगी है। क्योंकि जो दुनिया के ताकतवर देश हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी और खास तौर से दो टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ बड़े स्तर पर जमा कर लिया है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अहम, जो दोनों ही हमारे चिकित्सा और शिक्षा के सिस्टम को प्रभावित करेंगी, बुनेंगी
और भविष्य के समाज को खड़ा करेंगे। तो शिक्षा और चिकित्सा में जो एक नई संस्कृति खड़ी होगी वो तकनीकी के संदर्भ में देखने और समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संवाद की नई संस्कृति बहुत कुछ बदल देगी। हमारे भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों को पूरी तरह से उलट देगी और शिक्षा का नया जो स्वरूप होगा वो नव निर्माण की तरफ संस्कृति और समाज को घड़ने के दबाव बनाएगा। संस्कृति खतरों को कम करने की दिशा में विकसित होती है, ये बात बिल्कुल एक मोटे तौर पर समझने की है। और महामारी एक ऐसा ही बड़ा खतरा है जो एक पूरे कल्चरल शिफ्ट को हमें करने पर आमादा है। तो इन सारे अनुभवों से या इन सारे संकेतों से जो एक परसेप्शन क्रिएट होता है या जो एक हमारी मिलीजुली समझ बनती है वो ये है कि भविष्य का जो समाज होगा वो मेरे हिसाब से एक बेहतर समाज बनेगा, क्योंकि हम लगातार सभ्यता के जिस विकास की तरफ बढ़े हैं या मानव ने उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में सभ्यता में कुछ ना कुछ प्लस किया है और दुनिया बेहतरी की तरफ बढ़ी है, तो इस महामारी के बाद का मानव भी उस दृष्टि से एक महामानव उभरेगा। एक अच्छे सुंदर विश्व समाज के निर्माण में अपना योगदान करेगा, मेरी ऐसी आशा है, मेरा ऐसा सोचना है, क्योंकि हम पहले से ज्यादा मानवीय होने की तरह अपनी सभ्यता का विकास करें। सभ्यता का विकास या दुनिया का विकास यही है कि हमने उस वायलेंस को, उन खतरों को कितना मिनिमाइज किया है। पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता की घड़त इसी के इर्द गिर्द तो है कि हमने दुनिया में वायलेंस को, अपने आसपास के खतरों को, हम अपने आसपास के जोखिमों को मिनिमाइज किया है। यही सभ्यता का विकास है। और नए व्यवहार के उद्भव से जो खेल के नए नए नियम बन रहे हैं, ये संस्कृति के निर्माण में नए आदर्श का काम कर रहे हैं और ये नए आदर्श ही नए हमें महामारी पर नियंत्रण पाने के तरीकों की बहुत ईमानदारी के साथ शिनाख्त करने की जरूरत है पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया का भविष्य इसी पर तय करेगा कि इस दुनिया ने महामारी पर नियंत्रण पाने के किन तरीकों का इस्तेमाल किया है, हम कितने सकारात्मक रहे हैं या हम कितने नकारात्मक रहे हैं, इसी पर दुनिया का भविष्य और पूरी व्यवस्था का दारोमदार निर्भर करता है कि हमें से कैसे तरीके अपनाए हैं, किस तरह से हम इस संकट से जूझे हैं, यही भविष्य के मानव का पूरा भविष्य तय करने वाला है। तो पोस्ट कोविड सोसाइटी और मौजूदा सोसाइटी और महामारी के दौरान का जो अनुभव है उसमें अगर मेरा ऐसा अनुभव है जो मैंने पूरा सिनेरियो इस दौरान समझने की कोशिश की कि और किस ढंग से एक सामूहिक और कलेक्टिव रेस्पॉन्स हम इस सिस्टम के प्रति, इस महामारी, इस खतरे के प्रति कर सकते थे और सरकारों को और इस आपदा में बेहतरीन अवसर के तौर पर क्या क्या मिल सकता था, उसमें जो सकारात्मक और नकारात्मक उभरता है वो भी अपने आप में एक बड़ा आत्मावलोकन का अवसर है। नकारात्मक उपायों के बजाय अगर कुछ सकारात्मक तरीके हमने, पूरी दुनिया ने, पूरे मुल्कों ने इस दौरान खोज लिए होते तो शायद एक अच्छे देश के निर्माण की तरफ हम भारी बना चुके हो।
सरकारें लोगों पर अति नियंत्रण के बजाय कि स्वतंत्रता को करने के बजाय अगर ऐसे तरीके तलाशें कि महामारी से उभरे मनोविज्ञान को हम एक पॉजिटिव बूस्टअप देकर एक समाज के नव निर्माण और नई व्यवस्था के निर्माण की तरफ एक बूस्टअप दें तो एक सुंदर दुनिया की तरफ बढ़ा जा सकता था। छोटे छोटे खतरे, छोटे छोटे संकट, ऑक्सीजन जैसी भयावहता से उभरने के लिए प्रकृति की समृद्धि को सुनिश्चित करने वाले फैसले इस दौरान सरकारें कर सकती थी, जिनसे पर्यावरण सुरक्षितता और मानवीय व्यवहार इंस्टीट्यूशनलाइज होता, ऐसे बहुत सारे नियम कायदे कानून बन सकते थे, बजाय इसके कि हम कैसे लोगों के अधिकारों को कम करें, बजाय इसके कि कैसे टेक्नोलॉजी की गिरफ्त और टेक्नोलॉजी का नियंत्रण लोगों की निजता को कम करने में हम बढ़ाएं, हम इसके उलट कुछ सकारात्मक फैसले कर सकते थे। दुनिया में इस तरह के फैसले विभिन्न स्तरों पर दिखाई भी दिए, जैसे स्पेन, यूके, फ्रांस, इन तमाम कंट्रीज में बहुत सारे सेक्टर की चीजों को निजी सेक्टर की तरफ, खास तौर से हेल्थ सेक्टर को पब्लिक सेक्टर में लाने का जो एक प्रयास हुआ वो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है, जो बताता है कि भविष्य का स्टेट किस तरफ अपने जाने की कवायद कर रहा है। तो हम निजीकरण के बजाय अपनी चीजों को अपने हाथों में राज्य और सरकार अपने आप को मजबूत करने में कर सकता था, अपने समाज को एम्पावर करने में कर सकता था। जिस तरह से हम और बहुत सारी चीजों के छोटे छोटे एग्जाम्पल ले सकते हैं, उनमें एनवायरमेंट और पर्यावरण का सबसे गंभीर इशू है। राज्य और समाज की अंतः क्रियाओं का, स्टेट के और सोसाइटी के बीच जो इंटरेक्शन है, उन्हें एक डेवलपमेंटल डायरेक्शन दी जा सकती थी। एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का आह्वान एक बहुत ढंग से किया जा सकता था, जिसे बहुत सारे स्तर पर भारत में भी एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का पैकेज और उस तरफ पढ़ने की एक कवायद की, और उस तरफ शायद ईमानदारी से बढ़े वो एक सुखद परिणाम देने वाला हो सकता है। आत्मरक्षा, स्वास्थ्य परक शिक्षा से संबंधित बहुत सारे प्रावधान हम इस दबाव में कर सकते थे। भारत जैसे विकासशील देशों में जो शहरी समाज का एक ऐसा तबका है जो गरीब है, जो अपने जीवन अस्तित्व के लिए जूझता है, जो भूख, अशिक्षा और गरीबी से त्रस्त है, उनमें जीने को अभिशप्त है, उस पूरे सेक्टर के लिए, उस पूरे वीकर सेक्शन के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा अम्ब्रेला इस झटके में बनाया जा सकता था, जो समाज स्ट्रेंथ देता और सरकारों को अपने आप में एक सामाजिक दायित्व का बड़ा मौका देता। इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं कि ये और क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे चीजें बदल सकती हैं, ये एक अवसर थे जिन्हें हम आपदा के असली अवसर कह सकते हैं, है ना, जिनमें कुछ कंट्रीज ने, कुछ दुनिया के देशों ने इस तरह के प्रयोग किए भी हैं। तो इस पूरे अनुभव से जब आप देखेंगे, समझेंगे, तो जो चीजें उभर कर एक मैंने थोड़ा सा चिन्हित करने की कोशिश की थी उसमें कुछ इस तरह से हो सकते हैं। महामारी के अनुभव के बाद नई तरह की मान्यताएं जन्म लेंगी, नए समाज का निर्माण होगा, टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ेगा, समाज और सरकार की वरीयताएं बदल जाएंगी। अभी तक जहां आपकी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान तक सीमित थे, तो शायद आने वाले समय में इंटरनेट उस तरह की बेसिक आवश्यकताओं का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वो हमारे सामाजिक व्यवहार, इंटरेक्शन, संवाद की संस्कृति का
एकमात्र माध्यम बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह नए ढंग की जीवन शैली का इजाद होना और नए जीवन मूल्यों का बढ़ना, वर्चुअल और एक्चुअल इंटरेक्शन के बीच गैप कम होना, एक आभास और एहसास के बीच गैप का कम होना, ये सारी चीजें कुछ इस तरह से बढ़ती और बनती दिखाई दे रही हैं, जिनमें लगातार बहुत सारा काम कर सकते हैं। उन्हें समझने की दिशा में अभी बड़े अनुसंधान होने की आवश्यकता है, उन पर गंभीर ढंग से काम किया जाना है। न्यू नॉर्मल्स की तरफ अभी सिर्फ संकेत किए जा सकते हैं, वो कोई बहुत एस्टैब्लिश फैक्ट की तरफ अभी नहीं बढ़े हैं। जैसे कोई भी फैक्ट शुरुआती अवस्था में करंट की सिचुएशन से गुजरता है, तो न्यू नॉर्मल्स उसी तरह के नए आदर्श हैं जो नए मूल्यों का निर्माण करेंगे, जो शिक्षा की नई संस्कृति खड़ी कर रहे हैं, या और एक ऐसी पूरी लंबी फहरिस्त हो सकती है। लेकिन 12 बजने को है, मैं ज्यादा लंबे समय में न जाते हुए आप साथियों से यही कहूंगा कि पोस्ट कोविड सोसाइटी में तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। साइंस टेक्नोलॉजी हमें पूरी तरह से बदल देने पर आमादा है। हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार वाले हैं जो लगातार दबाव में है, बदलने के दबाव में है, और देर सवेर उन्हें बदलना ही पड़ेगा। महामारी के नियंत्रण का जो मॉडल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो न्यू नॉर्मल्स उभरेंगे वो हमें एक भविष्य का खाका देगा, क्योंकि नियंत्रण का मॉडल महामारी पर हम जैसा अपनाएंगे ना, वो नकारात्मक फॉर्म का ज्यादा होगा या सकारात्मक फॉर्म का ज्यादा होगा। नकारात्मक फॉर्म का मतलब कि लोगों पर बहुत नियंत्रण कर देना, लोगों को जानवरों की तरह बंद कर देना, ये एक बहुत अति नियंत्रणकारी मॉडल है। लॉकडाउन जैसी चीजें भी कोई बहुत अच्छा कंट्रोल मॉडल नहीं है, वो एक तात्कालिक व्यवस्थाएं हैं, है ना, या वो चाइना का मॉडल है। चाइना ने उसे अपने वुहान में एक प्रयोग किया और कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो जिस नेचर का समाज है, वो स्टेट जिस अप्रोच के साथ अपने लोगों को ट्रीट करता है, वहां का हाल पूरी दुनिया जानती है। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया ने चीन के उसी मॉडल को इस महामारी के कंट्रोल का मुख्य मॉडल मान लिया, और पूरी दुनिया ने उस लॉकडाउन को अख्तियार भी किया, और इससे उभरने का एकमात्र मॉडल हमें वही दिखने लगा, क्यों दुनिया ने इसके जो सकारात्मक मॉडल, ना तो कोई पूर्व तैयारी थी ना कोई पूर्व अनुभव थे, लेकिन एक साल के बाद अगर दूसरी दुनिया लॉकडाउन के मॉडल को अख्तियार करती है, पॉजिटिव मॉडल नहीं बढ़े, हम एक अच्छी दुनिया के निर्माण सकारात्मक सोच को अख्तियार करके भी नहीं जुटे हैं। इस बीच हम अपने स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत कर सकते थे, हम पूरी दुनिया की चिंता कर सकते थे, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है पूरी दुनिया मिलकर वैश्विक साझेदारी के साथ वहां अच्छे स्वास्थ्य तंत्रों का निर्माण कर सकते थे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो नियंत्रण का एक अच्छा और पॉजिटिव मॉडल दुनिया को खड़ा करना था, उसमें अभी बहुत देरी है। इवन वैक्सीन तो आपने बना ली, जो पूरी दुनिया में वैक्सीन के साथ भी एक पूरी दुनिया का रवैया दिखाई दिया, वो भी एक इसके नियंत्रण का नकारात्मक मॉडल ज्यादा दिखाई दिया। अमेरिका ने कहा कि मैंने वैक्सीन बना ली, लेकिन पहले वैक्सीन मेरे लिए, अमेरिकन फर्स्ट। चाइना ने कहा मैंने वैक्सीन बना ली लेकिन वो मेरे लोगों के लिए। जर्मनी ने कहा मैंने वैक्सीन बना ली लेकिन वो मेरे लोगों के लिए।
भैया ये कौन सा मॉडल है, या ये कौन सी बेहतर दुनिया की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, ये कौन सा वैश्वीकरण है, ये कैसी वैश्विक साझेदारी है। महामारियों का नियंत्रण पूरा अनुभव बताता है, पूरी दुनिया ने एक ईमानदार वैश्विक साझेदारी के साथ कर ऐसी महामारियों पर, ऐसे खतरों पर नियंत्रण, तब महामारियां दुनिया से गई हैं। और बहुत सारी महामारियां अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, जिन मुल्कों तक पूरी दुनिया ने मदद नहीं पहुंचाई, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था नहीं है, वहां आज भी तमाम महामारियों से लोग जूझ रहे हैं, जो गरीब कंट्री हैं, उनकी चिंता कौन करेगा। इस मॉडल में भी एक दुनिया में जो वर्चस्व की होड़ है वो भी नहीं निकली है। इसका मतलब महामारी से हमने कुछ सीखा नहीं है। जो एक आशाएं और बहुत पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक लोग, आशावादी लोग इस अनुभव से ये सीख रहे थे, ये सोच रहे थे कि महामारी के बाद का मानव महामानव बनकर उभरेगा, वो पूरी दुनिया के भले के लिए सोचेगा, पूरी दुनिया के कल्याण की तरफ ध्यान देगा, और हम नए ढंग वैश्विक साझेदारी कर, नए ढंग संगठन और सपोर्टिव इंस्टीट्यूशन खड़े कर दुनिया को एक बेहतर दुनिया के निर्माण की तरफ लेकर जाएंगे, होता अभी नहीं दिख रहा है। दुनिया में बहुत साफ साफ चिन्हित करना अभी भारी है ना, बहुत मुश्किल काम है कि ये हमने अच्छा कर लिया या ये हमसे बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मोटा माटी खाका जो बन रहा है वो यही है कि दुनिया को अभी इस महामारी पर कंट्रोल का जो एक इफेक्टिव और पॉजिटिव मॉडल मिलजुल कर तैयार करना था, उसकी अभी संभावनाएं कम दिख रही हैं, क्योंकि इस क्राइसिस में सब अपनी अपनी दाढ़ी में हाथ मारते दिख रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश ने हिम्मत दिखाई कि हम दुनिया को अपनी वैक्सीन देंगे, और तथाकथित महाशक्ति कहे जाने वाले तमाम मुल्क अगर ये कहते हैं कि हमारी वैक्सीन हमारे लिए है, तो ये कैसी विश्व माना होता है, ये कैसा है महामारी के कंट्रोल का मॉडल है, ये अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर अगर हम न्यू नॉर्मल्स और पोस्ट कोविड सोसाइटी को देखते हैं, तो मैं एक सोशल साइंटिस्ट होने के नाते एक आशावादी दृष्टिकोण से ही उसे देखता हूँ, और दुनिया इन अनुभवों से फिर सीखेगी, फिर सोचेगी, फिर आत्मसमर्पण करेगी, और एक बेहतर दुनिया के निर्माण की तरफ अपने कमिटमेंट के साथ बढ़ेगी। नए मूल्यों और नई मान्यताओं, नई सामूहिकताओं के साथ बनेगा, जो नया विश्व समाज होगा उसके अपने नए और अधिक मानवीय मूल्य होंगे, उसकी अपनी नई मान्यताएं होंगी, उसकी नई नैतिकताएं होंगी, और नए ढंग की सामूहिकताएं होंगी। वह ज्यादा मानवीय होगा, जिसकी चिंता के केंद्र में व्यक्ति होगा, जीवन होगा, पर्यावरण होगा, समाज का कल्याण होगा, और विश्व की सहयोगात्मक व्यवस्था होगी, जो सतत विकास की दिशा में पूरी दुनिया को नए मॉडल, नई जीवन पद्धति सौंपेगी। इसी दिशा में हमें महामारी को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव घड़ना है, नए ढंग से हमें इन खतरों पर सोचना है, नए समाज के निर्माण की तरफ बढ़ना है। इसी आशा के साथ, हमें एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ समाज को, नए विश्व को लेकर आगे बढ़ना है। और इस बातचीत में तमाम साथियों ने 1 घंटे भर से भी ज्यादा का समय दिया, और मैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के तमाम साथियों को, सेंटर के कोऑर्डिनेटर साहब को, और अब ऑनलाइन जुड़े तमाम उन प्रतिभागियों को जिन्हें मैंने भी इनवाइट किया और आपने भी अपने ढंग से इनवाइट किया, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस बातचीत में
एक अपना कीमती समय निकाला। अगर किसी साथी के मन में कोई बातचीत करने का, मुझे कोई सुझाव देने का, मेरी बात को थोड़ा कहीं मजबूत करने का कोई सुझाव, कोई ऐसा अंश है तो जरूर शेयर करें। मैं आप सब हेलो सर आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। जी सर। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। जी सर बोलिए। हेलो हेलो सर, सुन रहे मेरे को? जी सर। जी सर, आवाज आ रही है आपका? जो भी सवाल आप सर के सामने रखिए। जी कमल जी, कमल जी आवाज आ रही है, बोलिए सर। बिल्कुल, मैं बोल रहा था सर, मैंने इस बातचीत के दौरान भी सुना और प्रत्यक्ष में अनुभव भी किया। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है शायद जो कोविड के माहौल के अंदर व्यक्तियों में जो एक मजबूरी, मानो मजबूरी समझे इसको, उसके तहत कहीं ना कहीं एक मानवता का पक्ष खत्म होता जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और शायद अगर यही स्थिति रही और यही सोच रही तो ये मानवता का पक्ष शायद मजबूत हो भी नहीं पाएगा, संकुचित होता जाएगा। और यदि मान लो संकुचित होता गया तो मेरे हिसाब से आर्थिक या राजनीतिक जो भी अन्य विकास है वो कोई मायने नहीं रखते सर। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस हिसाब से तो हम विकास की नहीं पतन की ओर जा रहे हैं? हेलो सर। कमल जी आपने बहुत ही शानदार बात पूछी है, और जो जो आपने बात चिन्हित की है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें इस बात को समझने की कोशिश करने की है, आखिर ऐसा है क्यों? एक इंसान इतना मजबूर क्यों है या इतना सेल्फिश क्यों है? एक शेर भी हम और आप अक्सर गाते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो हमने जो पूरी दुनिया और पूरे समाज को बना लिया है, व्यक्ति अपने जीवन संघर्षों में इतना कमजोर हो चुका है कि वो अपने से बाहर कैसे निकले, वो दूसरों के लिए कैसे सोचे। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज की थी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों की थी, स्टेट की थी, जिसका मैंने जिक्र किया। तो अगर सोशल सपोर्ट सिस्टम कमजोर ना होता तो जो मानवता का तिरोहन जिन उदाहरणों से आपने बताया बिल्कुल ना हुआ होता। एक व्यक्ति को जो लगता है मेरे साथ मेरी सरकार खड़ी है, मेरे साथ मेरे साथी खड़े हैं, मेरे साथ मेरे लोग खड़े हैं, तो वो इस आपाधापी में नहीं पड़ता और हम अच्छा सोचने की तरफ बढ़ते हैं, हम एक दूसरे की मदद करने की तरफ सोचते हैं। लेकिन पूरा जो ढांचा बन गया और पूरी व्यवस्था ने व्यक्ति को एक तरीके से कहे कि इतना कमजोर कर दिया, इतना निचोड़ दिया है कि वो अपने आप से बाहर आ ही नहीं रहा है और हम एक सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसमें यही एक बड़ा कारण। धन्यवाद सर। अगर और भी कोई साथी अपने सवाल रखना चाहे या अपनी जिज्ञासा रखना चाहे, कोई सुझाव भी दें। सवाल तो आप सब साथी, क्योंकि मैं क्या जवाब दे सकता हूं, लेकिन आप लोगों के पास अच्छे सुझाव भी हो सकते हैं इससे संबंधित, प्लीज। तो किसी भी साथी के कोई भी सवाल या सुझाव जो भी हैं तो सर के समक्ष रखने का प्रयास करें। बाद में भी आप लोग मुरली भाई के माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकते हैं कुछ। नीरज जी सर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। जी सर। प्रणाम सर। सर मेरा एक सवाल था सर। हेलो हेलो सर, एक सवाल हमारा सर, ये कोविड-19 की वजह सर कितनी ज्यादा हो रही है? आवाज कट रही है नीरज भाई। सर ये कह रहे थे सर कि ये जो कोविड-19 की, हेलो जी जी जी
हाँ सर, COVID-19 की वजह से सर मानसिक अवसाद की स्थिति ज्यादा उत्पन्न हो रही है सर। जी 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 एग्जैक्ट जी सर, तो सर इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। हाँ प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं प्रकाश जी। हाँ इसका कारण नीरज जी ये है, कहा ना कि खतरा महामारी बहुत बड़ा खतरा है और वो सबसे पहले हमें भयक्रांत करता है और भय में हम जब तक नहीं उभर सकते जब तक हमारे पास किसी का साथ ना हो। तो लोग अवसाद में भी और तनाव में डिप्रेशन में इसीलिए हैं कि हम सोशल सपोर्ट सिस्टम को अपनी कमजोर कर लिए हैं। अगर हम कहीं जंगल में अकेले हैं तो हम आसानी से डर जाते हैं, लेकिन अगर हम साथी हैं है ना, हमारे साथ कोई है तो हम एक दूसरे को हिम्मत बनाए रखते हैं और हम लगे रहते हैं अपने काम में। तो इस महामारी के दौरान जिस तरह से लोगों ने अपने आप को अकेला पाया, स्वाभाविक रूप से उसमें डिप्रेशन में तनाव में, और इस पेंडेमिक के दौरान जो सूचनाओं का एक पूरा बम्बार्डिंग लोगों पर हुई और सुबह से शाम तक खतरे निगेटिविटी और ये सब लोगों के दिलों दिमागों में इंजेक्ट की गई, इससे लोग मीडिया के द्वारा भी सोशल मीडिया के द्वारा भी नकारात्मक दबाव में ज्यादा आए, जो डिप्रेशन में तनाव में इन चीजों में चले गए। इससे उभरने का भी एक वही जरिया है कि हम आपस में सामाजिकता बनाए, इंटरेक्ट बनाए, पॉजिटिविटी में रहें, लोगों के साथ केयरिंग व्यवहार करें। जी थैंक यू सर। हाँ सर मैं, हेलो सर, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है सर। हाँ सर बिल्कुल आ रही है जी। बीएल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पूछ रहा था कई जैसे कि पहले महामारी आई थी ये माता जिसको बोलते थे चेचक, तो चेचक महामारी आई तो महामारी कहते कहते उसको महामारी कहने लग गए और महामारी कहते कहते उसको माता जी मानकर पूजने लग गए। अभी भी इस कोरोना काल में भी कई लोगों ने कई जगह कोरोना माता के मंदिर बना दिए, जबकि अमूमन वैज्ञानिक सोच विकसित हुई है लोगों में, पाखंड अंधविश्वास और ये सामाजिक बुराइयां जो थी उनसे काफी हद तक इस कोरोना काल में हमने निजात पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इस तरह से इसकी पूजा करना मंदिर बनाना, तो कहीं वो शीतला माता जैसे बनाई थी पहले किसी काल में माता जी बना के महामारी को महामारी कहते कहते माता जी कहते कहते मंदिर बना के पूजने ही लग गए, हर साल उसके त्योहार बनते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए इसके साथ भी? जी जो अंधेशा है वो भी एक बड़ा खतरा है कि किस तरह से अंधविश्वास जन्म लेते हैं नए नए ढंग से ऐसे खतरों की आड़ में। बेसिकली ये बात एकदम सही है। इसका कारण ये है कि जो समाज जितने साइंटिफिक टेम्पर का होता है वो चीजों को उतने ही साइंटिफिक अप्रोच से और लॉजिकल ढंग से सोचता है। असल में खतरे भय और डर हमें इस तरह की घड़ंत की ओर प्रेरित कर लेते हैं, जो पूरा आप पुराने समय में देखेंगे जो प्रकृति के पूरे थे, प्राकृतिक आपदाएं थी प्रकृति के पर, तो वो हमें इस तरह के व्यवहार की तरह प्रेरित करती थी कि ये आ गया है भगवान की पूजा करो, ज्यादा पानी आ गया है, ज्यादा जल आ गया है, ज्यादा आंधी तूफान आ गया है, बमबारी हो गई, बर्फबारी हो गई। तो इसी तरह से ये भी कोई छोटा खतरा नहीं है, इसलिए लोगों ने इसमें लोगों की आस्थाएं अपने ढंग से रिशेप ले रहे हैं। कोरोना महामारी मंदिर बनाने का जो प्रकरण उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में आया वो इसी तरह से एक, लेकिन आज के जमाने में जब साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना हो तो वो टेम्पर, और इसे खाली आप अनपढ़ और अशिक्षा से भी ना बताएं, साइंस की दुनिया से जुड़े लोग
कि एक न्यूज अपने ढंग से सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी के कारण महामारी आ गई, वो भी किसी अंधविश्वास से कम नहीं है, वो अपने आप में एक पढ़े लिखे का साइंटिफिक अंधविश्वास है। उन्होंने मंदिर बनाया, वो अपने ढंग का अंधविश्वास है, लेकिन 5G से महामारी आ गई, ये एक पढ़ी लिखी क्लास का अपने ढंग का अंधविश्वास है। तो ये नेचुरल सी बात है, जो समाज जितने साइंटिफिक टेंपर का होगा और जितना लॉजिकली चीजों को सोच एस्टैब्लिश करेगा, वैसा ही सामाजिक व्यवहार और संस्कृति का निर्माण करेगा। मैंने कहा ना कि संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी इन आवश्यकताओं और तर्पणाओं की तृप्ति के परक्रम में किया है ना। पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता का विकास आदमी ने इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द के, वो अपने तनावों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपने मनोविज्ञान को, अपनी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करता है। तो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी अपने में एक सुरक्षा, एक आवश्यकता है। तो व्यक्ति सोचता है कि पूजा से आसानी से इन चीजों से निपटा जा सकता है। जी मैम, शारदा मैम, हमारे बीच में शारदा मैम है, वो कोई सवाल रखना चाहे। जी जी, बाकी सभी साथी अगर अपने वीडियो ऑफ कर लेंगे तो आवाज का कनेक्टिविटी बना रहेगा सर, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। शारदा मैम का माइक अनम्यूट करके फिर बोलिए। शारदा मैम अनम्यूट हो गए, ओके मैम, थैंक यू। नमस्कार जी वेंकट राणा जी, आपका वक्तव्य बहुत ही शानदार रहा। मैं पूछना चाहती हूँ कि एक समाज शास्त्री होने के नाते कोरोना के भयावहता के बाद सामाजिक पुनर्निर्माण का हमारा दायित्व एक समाजशास्त्री के रूप में होना चाहिए। जैसे कि कुछ परिवारों के सदस्य कम हो गए, कुछ परिवारों के आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, और मतलब परिवार में दो लोग की जगह, मतलब जितने भी लोग थे एक का दो लोग बचे हैं, बच्चे अनाथ हो गए, तो सामाजिक पर्यावरण की हमारी एक बहुत अच्छी ऐसी भूमिका होना चाहिए। सामाजिक हमारा दायित्व संबंधी हमारी एक भूमिका होनी चाहिए, और इसमें समाजशास्त्रियों का विशेष योगदान रहे। तो समाजशास्त्री रूप में हम कोई ऐसी कार्य योजना प्रस्तुत करें और उसमें लोगों को जुड़ने के लिए भी प्रेरित करें, ताकि हम समाज का भला कर सकें, ऐसा yes. कुछ yes. 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 थोड़ा आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहिए। जी आपका सवाल बहुत जेन्युइन है, और जो आपने खास तौर से सोशल साइंस के लोगों के लिए, सोशल साइंस की दुनिया के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल उठाया है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि समाज को समझने की जो पैनी दृष्टि सोशल साइंस के पास है, वैसी सरकार के पास या और किसी क्षेत्र के पास नहीं है। समाज की बारीकियों को, समाज की रिदम को, समाज के व्यवहार को जिस तरह से सोशल साइंटिस्ट, हम और आप जैसे लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, देख और समझ पाते हैं, उसमें हम बेहतरीन योगदान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि समाज को नई नैतिकताएं और नई सामूहिकताएं खड़ी करनी होंगी, उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सुझा सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके हम सिस्टम को बता सकते हैं, लेकिन उन्हें एस्टेब्लिश करना, उन्हें इंस्टीट्यूशनलाइज करना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो छोटा काम है, वो बड़े स्तर का काम है। हम उन्हें बता सकते हैं कि कैसे सोशल सपोर्टिव सिस्टम चीजों को बदलता है, कैसे सोशल सपोर्टिव सिस्टम समाज को स्ट्रेंथ देता है, कैसे नए ढंग की सामूहिकताएं आज बनानी पड़ेंगी। अब हम आपस में मिलजुल तो सकते नहीं है, हम गैदरिंग के आयोजन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह से नए सामाजिक समूहों का निर्माण कर सकते हैं, किस तरह से नए इंटरेक्शन के प्लेटफॉर्म खड़े कर सकते हैं, वहां पर एक अपने मनोरंजन के नए नए तरीके कैसे खोज। अब बहुत
प्रोडक्टिव थॉट्स को कैसे हम समाज में बड़े स्तर पर दे सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया की एक प्रोडक्टिव भूमिका हो सकती है, तो इन सारी चीजों पर सोशल साइंटिस्ट गंभीर अनुसंधान करके एक बड़ा ढांचा स्टेट को सौंप सकते हैं, एक बहुत अच्छे ढंग से चीजों को अंडरलाइन करके सिस्टम को बता सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक योजना हम लोगों को बना के प्रस्तुत भी की जानी चाहिए कहीं कहीं समाचार पत्र या मीडिया के माध्यम से, ताकि परिवारों को सपोर्ट मिले, विवाह के अगर कोई अकेला हो गया है तो उसके लिए विवाह की व्यवस्थाएं, सब बच्चे अकेले हो गए तो उनको गोद लेने की प्रक्रियाएं सरल हो जाएं, अगर परिवार में आर्थिक व्यवस्था नहीं है तो वहां पर कुछ ना कुछ उनके लिए होना चाहिए कि वो कहीं अपनी बात पहुंचा सके, क्योंकि मीडिया में अभी भी हमको कोई चीजें दिखाई दे रही है कि किसी परिवार ने आत्महत्या कर ली, तो वो परिवार जानता है कि उसके पास आर्थिक साधन बिल्कुल खत्म हो गए हैं, लेकिन वो कहाँ पर जाए बताने के लिए। समाजशास्त्री के रूप में हमारी बात भी कहीं पहुंचनी चाहिए। यस, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है और मैं भी यही कह रहा हूँ कि किस तरह से हम मीडिया और सोशल मीडिया का सदुपयोग इन सारी चीजों में कर सकते हैं, कैसे एक रोड मैप बनाकर अपने सरकारों को, अपने सिस्टम को हम दे सकते हैं, उस पर एक प्रभावी एक्शन प्लान बना सकते हैं। यस, धन्यवाद। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम मैम, प्रणाम। प्रणाम सर, बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक व्याख्यान रहा सर आपका। मैं शोभा प्रजापति अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज वाराणसी से सर। सर मेरा ये सोचना है कि जैसे पैंडेमिक फैला, इतनी महामारी, सब लोग इससे परेशान हुए, हर स्तर के लोग इससे परेशान हुए, तो उच्च शिक्षा के स्तर पर जैसे इंटरमीडिएट के बाद जो बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो क्या जैसे हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर है, डॉक्टरों की जो है कमी है, चिकित्सकों की कमी है, जनसंख्या के पीछे बहुत कम डॉक्टर हैं, तो क्या जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बड़े बच्चे हैं, तो क्या उनको प्राथमिक स्तर की चिकित्सा की इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए कि जो आपातकालीन स्थितियां आ रही हैं, जैसे कि एनसीसी वगैरह में जो सभी सिखाया जा रहा है सहयोग के लिए, तो क्यों ना चिकित्सा को भी शिक्षा में जोड़ा जाए, कि केवल ना केवल स्पेशली जो MBBS BMS कर रहे हैं वही नहीं, केवल वो तो मतलब एक विशेष स्पेशल है कोई बीमारी के इलाज करने के लिए, जो सामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उनको कुछ ज्ञान दिया जाए कि जो प्राथमिक उपचार है वे कर पाए अपना भी और जो आसपास के लोग हैं उनका भी, और साथ ही साथ जो हमारी जो संस्कृति रही है जिसमें सामूहिकता की प्रधानता रही है, हॉलिज्म जिसे हमारी जो संस्कृति रही है, मूल संस्कृति जिसमें हम अपने से पहले अपने समुदाय के बारे में सोचते हैं और भौतिकता के प्रभाव से हम व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं, तो उसको उसकी ओर भी क्या पुनः लौटने की जरूरत अब महसूस हो रही है कि, और जो एक सोशल डिस्टेंसिंग शब्द है सर हमारी जो भारतीय संस्कृति में, ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं बैठता कि ये फिजिकल जो डिस्टेंसिंग होना चाहिए ना कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। हमको खुद को भी सुरक्षित रखना है इस बीमारी से, तभी हम दूसरे के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो हम दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग ना बनाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाते हुए हम सोशल जो डिस्टेंस ना बनाए सामाजिक। दोनों तीनों सुझाव जी जी, हम जुड़े रहे। शोभा जी, आपके दोनों तीनों सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने शुरुआत ही उस चीज से की थी कि भारत जैसे ट्रेडिशनल समाज में सोशल डिस्टेंसिंग के अतिरिक्त हमें उन चीजों को ध्यान में रखकर अपने इन नए सामाजिक व्यवहारों को बनाना चाहिए, है ना, रिडिफाइन करने की जरूरत है ना। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, आपको मैं मानता हूँ। और जो आपना बेसिक और जो आपना बेसिक हेल्थ अवेयरनेस की बात की,
तो एक तो आपने देखा होगा कि इस पेंडेमिक ने एक जो अच्छा काम कहूं तो कोई वो नहीं है, जो अच्छा काम किया वो यही किया, एक तो पूरे समाज की पूरी दुनिया की बेसिक जो हेल्थ लिटरेसी है उसे काफी ऊपर ला दिया, और हेल्थ जो अवेयरनेस है, जो अभी तक हेल्थ क्या था, अभी तक हेल्थ प्रायोरिटी पर नहीं थी, अभी तक पूरे समाज के लिए पूरी दुनिया के लिए व्यक्ति के लिए काम पैसा नाम तमाम तरह की वरीयताएं बढ़ती और व्यक्ति ध्यान ना देना अपने चीजों पर ध्यान ना देना, वो दिन रात काम करना चाहता था और इन सारी चीजों के लिए वो विकल्प तो बना रहा था, उस वो अपनी टेक्नोलॉजी को वैकल्पिक बना रहा था कि मैं अच्छे पानी के लिए वाटर प्यूरीफायर बना लूं, मैं अच्छी हवा शुद्ध करने के लिए एयर प्यूरीफायर बना लूं। लेकिन इस पेंडेमिक ने ये अच्छा काम किया है कि आप विकल्पों को खोजकर काम नहीं चला सकते, आपको हेल्थ जैसी चीज को प्रायोरिटी पर रखकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, इम्यूनिटी जैसी चीजें केंद्र में आई हैं जी, वो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता के आधार पर तय करता है। और जो आपने कहा कि क्या ये एक एजुकेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, वो तो बिल्कुल बेसिक रूप से होना चाहिए। जिस तरह से योगा प्राणायाम ये सारी चीजें हमारी हेल्थ कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनी है और हमारी जीवन शैली में इनकल्केट हुई है, ये सारी चीजें उस तरफ संकेत कर रही हैं और हमारे पास अच्छा मौका है। नई एजुकेशन पॉलिसी हम देश में लागू कर रहे हैं, उसमें हम अपनी हेल्थ शिक्षा को बेसिक स्तर पर और एक उसे एक निश्चित पार्ट के तौर पर उसका इस्तेमाल करके इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज हमने योगा आयुर्वेद को उसका एक पार्ट बनाकर बेसिक रूप से उसमें बढ़ा जा सकता है, ये एक अलग बहस है एलोपैथी और आयुर्वेद और उसमें वो उसमें हमें जाने की जरूरत। थैंक यू जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्ते राकेश जी सर, नमस्ते, नमस्कार जी, रखिए सर अपनी बात रखिए। हाँ नमस्ते राकेश जी, नमस्कार हंसराज जी, नमस्ते सर। आज का सेशन पूरा सुना है मैंने और कोरोना के बाद की उभरती स्थितियों के बारे में आपने हर पहलू को छुआ है सर, काफी जिज्ञासाएं थी मन में उनको आपने शांत किया है। अब इसमें थोड़ा सा मेरा सवाल तो है नहीं, बाकी थोड़ी सी ये थी कि इसका एक दूसरा पक्ष अच्छा पक्ष भी उभर कर आ रहा है कि बहुत सारी बातें, जैसे मैं मेरे यहाँ की बात करूं तो हमारे एक छोटे से गांव में बहुत सारे लोगों ने सहयोग करने के लिए विद इन एक महीने में 3 लाख का फंड इकट्ठा कर लिया और उसमें से हमने ऐसे लोगों को जो जिनका काम धंधा नहीं रहा था या जिनके कोई परिवार में हानि हो गई या कुछ उनका नुकसान हुआ तो उन लोगों को हमने खाद्य सामग्री भी दी है, कुछ पैसा उसमें से बचा है। तो इस समय हमने ऑक्सीजनेटर और सिलेंडर और हमारे यहाँ ऑक्सोमीटर इस तरह लगभग 1.5 लाख का सामान हमारे PSC में भी दिया है और हमारे गाँव में नहीं हमारे तहसील में भी इस तरह का बहुत सारा डोनेट हुआ है। तो मैं इस की मानवता इसमें बड़ी भी है, इसमें बहुत सारे उपकार के लिए मानवता आगे परोपकार की भावना पैदा भी हुई। साथ में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन संगठन ने भी हमारे जिले में बहुत से प्रत्येक मतलब अस्पताल में और बड़ी बड़ी जगह बहुत सारा मतलब इसमें सुविधाएं बढ़ाई है अस्पतालों में। तो इस तरह से ये जो लोग आ रहे हैं आगे आ रहे हैं ये इसके परोपकार की भावना को भी हमें आगे बढ़ाना होगा। साथ में एक ये है कि समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है, सब जानते हैं हम, तो हम ज्यादा सबको कहने के साथ साथ हम मैं से शुरू करें जी, मैं अब मैं मास्क लगाऊंगा, मैं दूरी बना के रखूंगा, मैं मेरा अब ज्यादा आदमियों का स्टेटस, क्योंकि समय समय पर समाज के पैमाने बदलते रहते हैं। एक समय था जब जिसके पास ज्यादा पशु थे बहुत बड़ा पशुपालन तो उसको जमींदार पटेल समझते थे,
आज ऐसी स्थिति वाले को गवार समझते हैं, यार इतने सारे जानवर रख रखा है, बिना काम का खर्चा है, मापन बदल गए। तो अब हमको भी मापन बदलने पड़ेंगे। अब अपना जो ज्यादा आदमी इकट्ठा करना एक स्टेट सिंबल बन गया था, उसकी बजाय हमको कम आदमी लेकिन सब मास्क लगाएं, अपने आप सैनिटाइजर की मशीन हो वहां पर, वो सैनिटाइजर अपने आप होते जाएं, इस तरह की ये मान्यताएं अब हमें को बदलनी पड़ेगी। वो शुरुआत हमको स्वयं से करनी पड़ेगी। इस तरह का मेरा कुछ विचार था सर। बाकी आज बहुत अच्छी रही है आपकी चर्चा, आपको बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुझाव हंसराज भाई आपने दिया है। उसी की मैंने जो बात की ना, सोशल सपोर्ट सिस्टम, सो तालों की एक चाबी, अगर हम अपने सोशल सपोर्ट सिस्टम को मजबूत कर लेते हैं तो किसी भी बड़े खतरे से, किसी भी बड़े संकट से आसानी से पार पाई जा सकती है। और जो हंसराज जी ने बात कहा है कि आने वाले समय में बहुत सारी नई चीज़ें अडॉप्ट करनी ही पड़ेंगी और वो अपने आप हो जाएंगी, तो मैं कह रहा हूँ पूरा सिस्टम अपने आप को रिवैम्प करेगा। जैसे बाजारों में रेस्टोरेंट के स्वरूप अब आपकी इम्यूनिटी और खान पान को देखकर उनके मेन्यू तय होंगे, वहाँ पर आपको शानदार काढ़ा उपलब्ध होगा, वहाँ पर आपको भाप की सुविधा होगी, रेस्टोरेंट को ये देने वाले हैं। आपके बड़े बड़े शहरों में, जयपुर में, दिल्ली में, बॉम्बे में जो हाउसिंग सोसाइटीज बनेंगी, अब उनमें जैसे गैस पाइपलाइन जाती है, ऐसे ऑक्सीजन पाइपलाइन पहले से बिछी होगी और उसकी तमाम पूरी व्यवस्थाएं होंगी। ये पूरे ढांचे बदलने वाले हैं, ये पूरी अप्रोच बदलने वाली है, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम अपने आप को रिवैम्प करेगा। तो धन्यवाद राकेश जी सर, मैंने भी पूरा सुना है आपकी बातचीत को। और जो हंसराज जी ने कहा कि कोरोना के बाद के उभरते समाज में किस तरह के परिदृश्य आगे आ सकते हैं, हो सकता है, उन तमाम चीज़ों पर आपने बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला है। और आने वाले टाइम में जो था भी टॉपिक भी कि उभरते सामान्य, यानी जो चीज़ें उभर रही है उसको कैसे हम एक संस्कृति का पार्ट मानकर ठीक से किस तरह से अपनाएं, इस पर आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बात रखी है। और ये पूरी चर्चा काफ़ी अच्छी लगी, कई सारे सुझाव भी साथियों की ओर से मिले कि हम किस तरह से जो समाज में संवेदनाहीन होता जा रहा था उसमें किस तरह से वापस संवेदनाएँ लाएँ, ताकि वही एक अच्छा समरसता वाला समाज तैयार हो सके, बन सके और एक अच्छा समाज निर्माण की ओर बढ़े। हालांकि कोरोना ने हमारे समाज को जगह जगह से तोड़ दिया, तो अब इसको कैसे हम उसकी भरपाई करें, तो ये पूरी चर्चा से ये सब चीज़ें सीखने को मिली। और मुझे लगता है जो भी साथी इसमें शामिल थे वो सब इन चीज़ों को अपना रहे होंगे आगे, जिस तरह की चीज़ें आई। तो आपने अपनी बात एक तरह से सुझाव की तरह ही रखा है कि इस तरह की चीज़ें अपनाएंगे तो एक अच्छा समाज वापस बना सकते हैं, और इस तरह की महामारियों से भी आगे किस तरह से हम इनका मुकाबला कर रहे होंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए, आगे भी हम आपको इस तरह बुलाते रहेंगे। हेलो, थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपके साथ। हेलो, हाँ जी बोलिए। राकेश जी नमस्ते। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए मैम। कोविड महामारी के दौरान जो आज आपने सेमिनार जो अपने विचार के वो बहुत अच्छे लगे सर मेरे को, और साथियों ने भी अपने विचार रखे अच्छे लगे सर। आप सर को धन्यवाद, और सभी साथियों को भी थैंक यू मैम। धन्यवाद राकेश जी, आपने जो है हमारे समक्ष समाज के जो नए समाज की कल्पना करने की जो बात रखी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखी है। और समाज में हमें सोशल सपोर्ट सिस्टम को किस तरीके से डेवलप करना होगा वो भी आपने बहुत ही साधारण शब्दों में बहुत बेहतरीन तरीके से रखने की कोशिश की है सर, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी समझ देने वाला है। इसके अतिरिक्त आपने जो रखा है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करने और उससे चीज़ों को बेहतर बनाने की एक दिशा की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, हेल्थ सिस्टम जो है हमारा उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, उसको प्राथमिक स्तर की पहली प्रायोरिटी पे लाने की जरूरत है।
तो इस तरीके के जो आपके महत्वपूर्ण विचार हैं वो हम सबको काफी दिशा प्रदान करेंगे, और इसके लिए आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने व्यस्ततम समय से हमारे लिए जो ये समय निकाला, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। और इन फ्यूचर कभी जब भी हम इस तरीके की सेमिनार का आयोजन करेंगे तो आपको जरूर हम याद करते रहेंगे, तो आपका सहयोग की अपेक्षा भी हमें हमेशा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है नरेंद्र जी, मुझे अच्छा लगता है आप जैसे बौद्धिक लोगों के साथ विचार विमर्श करना, आपका इतना बड़ा प्रतिष्ठान है उसके साथ सहभागिता करना मेरा भी सौभाग्य है। थैंक यू सर। तो आज की चर्चा का फिर हम यही समापन कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद सर। ठीक है सर। हेलो, धन्यवाद सर बहुत, आज की चर्चा बहुत अच्छी और आज आपने समाज के बारे में बहुत ही अच्छा बताया, इसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं और धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू धन्यवाद सर। धन्यवाद नीरज जी।